आज मैं आपसे बहुत ही सिंपल हैंड एंड फीट व्हाइटनिंग होम रेमेडी शेयर करने आई हूँ। मेरे मुताबिक आपकी स्किन का कलर गोरा, चिट्टा या बहुत ज्यादा व्हाइट होना मैटर नहीं करता। जो कलर टोन आपकी है वही खूबसूरत होनी चाहिए, बेदाग होनी चाहिए और ग्लो करती होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे का कलर आपके हाथ से मैच नहीं करता तो टेंशन है। तो बस आज आपके हाथों का कलर आपके चेहरे से मैच करेगा, आपके हाथ खूबसूरत ब्राइट और व्हाइट होंगे। आप अपने पाँव में जो भी शूज पहनेंगे, जो भी जूता पहनेंगे वो सूट करेगा। अगर आपके हाथ और पाँव भी टैन हैं, धूप की वजह से एक ब्लैक लेयर आपके हाथों और पाँव पर आ गई है, आपके डेड स्किन सेल्स की एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है, ये उंगलियों के जॉइंट्स डार्क हैं, पाँव के नक्कल सख्त और बेजान काले लगते हैं, तो अगर इनमें से एक प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर रहे हैं, तो आज की रेमेडी बहुत जबरदस्त और इफेक्टिव होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैजिक आज इस रेमेडी में होने वाला है। तो सबसे पहले कर लीजिए अपने हाथों को क्लीन। जो भी आपके पास क्रीम या लोशन है उससे अपने हाथों पर मसाज कीजिए कम 10 मिनट तक। 10 मिनट क्लींजिंग करने के बाद वॉश कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है डीप क्लीनिंग एंड हाइड्रेटिंग स्क्रब। तो सबसे पहले ले लीजिए मसूर की दाल 3 से 4 चम्मच। जी हाँ, वही मसूर की दाल जो चावलों के साथ खाना आपको बहुत पसंद है। नेक्स्ट इसमें ऐड कर लीजिए मिल्क 3 से 4 चम्मच। मिल्क इज अ बेस्ट क्लींजर फॉर योर स्किन। तो नेक्स्ट इसमें ऐड कर लीजिए दही 1 से 2 चम्मच। तो जनाब, नेक्स्ट मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। तो कोकोनट ऐड करने के बाद अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तमाम इंग्रेडिएंट जो भी हमने इसमें ऐड किए हैं ना, वो गजब के रिजल्ट रखते हैं आपकी स्किन को लेकर। अब इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल लीजिए और ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड होने के बाद कुछ इस तरह से आपका मैजिकल स्क्रब रेडी हो जाएगा, जो आपके हाथों और पाँव को ब्राइटन अप कर देगा, क्लीन क्लियर कर देगा। तो हाथों और पाँव पर इस स्क्रब से सर्कुलर मोशन में आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हाथों से स्क्रब कीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद 2 मिनट तक अपने हाथों पर ये स्क्रब लगा रहने दीजिए, देन वॉश आउट कर लीजिए सिंपल पानी से और फिर देखें आपके हाथों और पाँव कैसे नजर आते हैं और आप क्या फील करते हैं। जल्दी से नीचे आकर कमेंट में भी जरूर बताना है आपने कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। ये स्क्रब एक बार बनाकर फ्रिज में रख लें, 4 से 5 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। डेली अपने हाथों और पाँव को सिर्फ 15 मिनट दीजिए और सॉफ्टनेस, ग्लोइंग और हाइड्रेशन में इजाफा कीजिए। वैसे भी विंटर्स में हमारे हाथों की स्किन बहुत ज्यादा डल डैमेज हो जाती है, तो ये स्किन केयर रूटीन में शामिल कीजिए और बस मुझे दुआएं दीजिए। तो हो गई ना आज आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो की किसी को जरूरत है तो शेयर भी कर दीजिए। तो मैं मिलूंगी कल एक नए मैजिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।